नमस्कार, आज हम काव्य दोष के बारे में बात करेंगे। काव्य दोष को लेकर सभी आचार्यों ने विभिन्न विभिन्न काव्य दोषों के बारे में बात की है और उनके विद्यमानता को उन्होंने बुरा माना है। जिस तरह से हमने पढ़ा काव्य गुण, काव्य का शोभा कारक धर्म है, उसी के विपरीत काव्य दोष है, वो काव्य के रसास्वादन में बाधा उत्पन्न करते हैं। अग्नि पुराण में उन्हें उद्वेग जन को दोष कहा गया है, यानी जिसके कारण काव्य में उद्वेग पैदा होता है। मम्मट के अनुसार काव्य के दोष उसके रस अथवा मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करते हैं अथवा अपकर्ष लाते हैं, यानी उसके उत्कर्ष को घटाने वाले होते हैं। इसके संबंध में उन्होंने कहा है कि साहित्य दर्पण में भी दोषों को रसों का अपकर्षकारी तत्व माना गया है। आचार्य वामन के मतानुसार गुणों की विपरीतता का नाम दोष है। इसको सूत्र में उन्होंने कहा है, गुण विप्रायात मनो दोषः। तो आचार्य दंडी उन्हें काव्य पुरुष के सुंदर शरीर में श्वेत कुष्ठ के चिन्हों के समान मानते हैं। इसी तरह से अन्य आचार्यों ने भी काव्य दोष को शरीर अथवा काव्य की आत्मा के मार्ग में अवरोधक मानते हैं। आचार्य भामह दोषपूर्ण काव्य रचना के कट्टर विरोधी थे। वे किसी भी काव्य के एक पद में भी दोषयुक्तता को कुपुत्र के भांति निंदनीय समझते थे। तो सभी आचार्यों ने दोषयुक्त काव्य लिखने की अपेक्षा यह माना है कि काव्य रचना ही न की जाए। दंडी ने दोषयुक्त काव्य रचना करने वाले व्यक्ति को मूर्ख की संज्ञा दी है। रसध्वनि जो आचार्य रहे हैं, उन्होंने भी काव्य दोषों को लेकर इसमें अपकर्षकारी से माना है। दोषों के कारण काव्य रस में जो विघ्न बाधाएं पड़ती हैं, उसे हम तीन रूपों में देख सकते हैं। पहली जो है वो हम बात करें आस्वादन में अवरोध उत्पन्न करने वाली, और दूसरा है आस्वादन में विलंब करने वाली, और तीसरी हम देखते हैं आस्वादन को विध्वंस करने वाली। इन बाधाओं का निराकरण भी संभव है, जिसके लिए रसों की प्रासंगिकता एक प्रमुख आधार बनती है। आचार्य भामा का कहना था कि कहीं कहीं दोषपूर्ण कथन भी प्रसंग के अनुसार उसी प्रकार सुग्रह मान लिया जाता है जिस प्रकार माला के बीच में गुथा हुआ नील पत्र अथवा रमणी के नेत्रों में लगा हुआ काला अंजन। अब हम देखते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में काव्य दोषों का विभाजन और विवेचन किया था, जिसके अनुसार दोषों के 10 भेद आपने माने, जो हैं गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायादपेत, विषम, विसंधि और शब्दच्युत। भामा ने उनकी संख्या 21 कर दी, तो दंडी ने उसे पुनः 10 की संख्या तक ला दिया। वामन ने काव्य दोषों को 4 वर्गों में विभक्त कर उन्हें 20 संख्या में केंद्रित किया, तो आचार्य मम्मट ने इसका विस्तार करने में कोई कमी नहीं रखी। रस ध्वनि आचार्य का दोष विवेचन केवल पद, पद्यांश, वाक्य, अर्थ तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसमें रस दोषों को भी विस्तृत रूप में रखा गया है। अब हम देखें कि काव्य दोषों को 3 भेद दृष्टियों में रखना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। जैसे हम उसमें 3 रूपों में रखेंगे, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्द दोष के अंदर हम पहला बिंदु रखते हैं, जिसमें हम देखें कि काव्य दोष किस तरह से होता है। श्रुति कटुत्व दोष, श्रुति अथवा सुनने में जो वर्ण अथवा शब्द कटु लगे, अर्थात जो कानों में खटके, उनके कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष होता है।
श्रृंगार करुण शांत रस में इस प्रकार के कठोर वर्णों के प्रयोग उद्वेग कर दोषजनक रूप में हमारे समक्ष आते हैं। कवि इसका उदाहरण हम अगर देखते हैं श्रुति कटुत्व का, यद्यपि ये वीर और रौद्र भयानक रस में गुण बन जाते हैं, इसका उदाहरण हम देखते हैं कवि के कठिनतर कर्म की, करते नहीं हम धृष्टता पर ज्ञान विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। तो यहाँ पर जो विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता का भाव है उसमें कवि के लिए धृष्टता शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि सुनने में कटु लगता है। इसी तरह से हम देखें कि इसी उदाहरण के आधार पर हम जो श्रुति कटुत्व दोष को समझ सकते हैं कि जो कानों को खटक के और जिसमें जो श्रृंगार रस अपने अनुकूल हम उस रस का आस्वादन नहीं कर सके वो दोष इसमें रहता है। दूसरा जो काव्य दोष है वो है चयूत संस्कृति। भाषा अथवा व्याकरण के नियमों के विरुद्ध जहाँ काव्य में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ चयूत संस्कृति दोष होता है। अब इसके उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो जैसे इस निराशता को छोड़ो तुम आशा से ले लो काम, यानी व्याकरण के नियम में निराशता शब्द जो काम में लिया गया है वो अपने आप में दोष है। उसी तरह से मरम वचन जब सीता बोला, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग बोला। अन्य रूप में देखें प्रेम शक्ति से चीर निरस्त्र हो जाएगी पाश्वता, तो पाश्वता यहाँ दोष के रूप में आया है। तो इस तरह से इस काव्य दोष में जब अशुद्ध शब्द प्रयोग लिया जाता है जो व्याकरण की दृष्टि से भाषा की दृष्टि से गलत होता है। तीसरा काव्य दोष हम देखते हैं अप्रयुक्त काव्य दोष। अप्रयुक्त का अर्थ है जिसका प्रयोग न किया जा रहा हो। ऐसे अनेक शब्द हैं जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और कोश सम्मत हैं किंतु काव्य रचना में उनका प्रयोग चलन में नहीं होने के कारण हमें उसकी अर्थ प्रतीति में बाधा आती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग ही अप्रयुक्त काव्य दोष कहलाता है। जैसे हम इसके उदाहरण स्वरूप देखें तो नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान, यहाँ पवमान शब्द के प्रयोग में अप्रयुक्त दोष है क्योंकि काव्य में इस प्रकार के प्रयोगों का चलन सामान्यतः नहीं मिलता है। उसी तरह से हम उदाहरण देखें पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीनह बहु गाय, तो ऊपर जो स्पर्श शब्द का प्रयोग यहाँ छूने अर्थ में न होकर दान के अर्थ में हुआ है जो व्यवहार में प्रचलित नहीं है और इसी कारण यह अप्रयुक्त दोष रहा। अगले काव्य दोष के रूप में हम देखते हैं असमर्थत्व काव्य दोष, जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए अपने उपयुक्त और सुसंगत अर्थ का बोध कराने में असमर्थ हो वह असमर्थ दोष हुआ। जैसे कुंज हनन कामिनी करत पिया मिलन की काज, इन पंक्तियों में हनन शब्द का प्रयोग गमन अर्थ में हुआ है जो उपयुक्त और सुसंगत अर्थ का बोध कराने में असमर्थ है। सामान्यतः हम देखते हैं कि हनन का अर्थ मानना या वध में होता है जबकि यहाँ गमन के रूप में हुआ है। इसी तरह से हम एक उदाहरण और इसमें देखें कि जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है, तो इन पंक्तियों में शोध शब्द प्रतिशोध बदला लेने के रूप में प्रयुक्त हुआ है और यहाँ यह असमर्थ दोष हो कहलाता या दिखाई देता है। अगला काव्य दोष हम देखते हैं ग्रामत्व दोष, जहाँ शिष्ट समाज में प्रयुक्त किए जाने वाले योग्य शब्दों के बदले असभ्य और गंवार शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। यानी ऐसे शब्द जो सभ्य नहीं हैं, जो ग्रामीण शब्द हैं वो ग्रामत्व शब्द हुए।
जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखें, मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं। अब मूड शब्द मस्तक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो एक प्रकार में असभ्य सा लग रहा है, तो ये ग्रामत्व दोष रहा। उसी तरह देखिए, लीलने को देखो गर्जमान पारावर है। अब ये लीलना जो शब्द प्रयुक्त है वो ग्रामत्व आया, जो असभ्य सा है। उसी तरह से सृष्टि के आरंभ में मैंने उषा के गाल चूमे, अब गाल चूमे पद है वो गवारु है, तो यहाँ ग्रामत्व काव्य दोष आया। एक उदाहरण और देखिए, चपल चारु लोचन चलते थे ढेडुआ की आँखिन से नित्य। तो ढेडुआ शब्द है वो काले मुँह वाले बंदर के लिए प्रयुक्त होता है, और ये शब्द यहाँ सही रूप में नहीं दिखाई दे रहा, एक ग्रामीण शब्द दिखाई दे रहा है, तो ये ग्रामत्व काव्य दोष हुआ।